कोरोना काल में गणेश उत्सव या अन्य त्योहार अनुमति नियम अनुसार हैं, फिर भी नगर के काफी जगह गणेश उत्सव देखने को मिला, जिनमें ओम उत्सव आयोजन मंडल एसडी फील्ड काफी ज्यादा भव्य रूप दिया गया। सभी भक्तों द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। आयोजक विकास यादव द्वारा बताया गया कि पिछली बार कोविड-19 की वजह से गणेश उत्सव नहीं हो पाया, हालांकि प्रशासन के सहयोग से सभी भक्तों के प्रयास से कार्यक्रम उचित दूरी के हिसाब से सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन के मुताबिक हो रहा है। वहीं तेजस खबर के कैमरे में एक छोटी बच्ची भी कैद हुई, जो गणपति बाप्पा के भजनों पर झूमती नजर आई। आयोजक विकास यादव द्वारा बताया गया, लगभग 10 सालों से सभी के प्यार और सहयोग द्वारा कार्यक्रम कामयाब हो रहा है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, मास्क जरूर पहनकर आए, नियमों का पालन करें। ओम उत्सव आयोजन मंडल में कार्य समिति में दीपक यादव, विकास यादव, समिति के मुख्य कार्यकर्ता बसंत मिश्रा, हरिनारायण सक्सेना, अखिलेश यादव, नीरज शर्मा, नितिन सक्सेना, अवधेश चौरसिया मौजूद रहे। जी, आज गणेश महोत्सव का आपके यहाँ आयोजन हुआ है और कितने वर्ष से चल रहा है? ये 9वीं वर्ष आयोजन मंडल किस संस्थान के द्वारा करवाया जाता है आपके? ओम उत्सव आयोजन सभी मोहल्ले के। अच्छा, यहाँ पे देखने में ये भी आ रहा है कि पूरे सोशल डिस्टेंस के पालन भी हो रहा है और मास्क का भी बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सभी मास्क बच्चे लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है। और कहीं पे कोई आपको समस्याएं आ रही हैं भक्तगणों में? उत्साह तो देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी है। पिछली बार सो नहीं पाए थे, इस बार काफ़ी ज़्यादा उत्साह है जी। और आज शाम भजन संध्या भी है। और आपके द्वारा ये भी हमें देखने हैं, संस्था के द्वारा ये भी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। पूरा पालन कर रहा है। अच्छा, लगभग कितने श्रद्धालु आ रहे हैं अभी? तो कोविड की वजह से थोड़ा कमी आ रहे हैं, 50-100 के बीच में। आपके द्वारा यहाँ पे स्थापित करे गए हैं, तो वहाँ पे कितना कोविड-19 का पालन गाइडलाइन का चल रहा है? गणपति बप्पा मोरे हम बोलते हैं, उसके साथ एक चीज़ और बोलते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। बिल्कुल, लेकिन फिर भी देखने में ये आ रहा है कि आप लोगों के बारे में बिल्कुल तरीके से अपने सब चीज़ चल रही है, गाइडलाइन का टोटल पालन किया जा रहा है जी। तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी भगवान गणेश के उत्सव चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी भक्तगणों की भीड़ होती है, तो उन सभी से हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूजा भी की जाए और भगवान की कृपा भी पाई जाए और कोविड-19 का ख्याल भी। The report, they just came out.